2 बजे वीडियो लाइव जाना है, 1:30 अभी बज रहा है, 1:30 बजे इसको याद आएगी वीडियो शेड्यूल करना कम बोल तू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। दोनों बच्चियां मंदिर जाके आ गई नहा धोली, और आज तो लेटली स्टार्ट हो रहा है व्लॉग क्योंकि आज संडे है ना। देखो गाइस, संडे को तो लेट तक सोना बनता है ना। हमारे लिए तो रोज ही संडे होता है। इनका तो हराम को रोज संडे। शाबाश। वैसे आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, पर आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्लॉग होने वाला है आज। मजा आएगा। वो वाली तैयारी तुम्हारे को करनी है, पता है मुझे, मैं तो डेकोरेशन में देख लिया क्या। तो पहले ना मैं जेसी के लिए जो मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आया था ना, ये 2 महीने से मंगा रही थी, उससे आज लेकर आया हूं, आज ही खानी थी तो मैं खा लेता हूं इसको। मीकू, चिया, अभिषेक, हर्ष, सूरज सब लोग यहाँ से जा चुके हैं और मैं अकेली हूँ घर में। और आज वो लोग गए इसीलिए हैं क्योंकि आज का जो वीडियो बनने वाला है वो बहुत स्पेशल है। आज मैं और सूरज, क्योंकि कल बेसिकली जन्माष्टमी है, आज जब ये वीडियो पोस्ट होगा आपको वो जन्माष्टमी वाले दिन दिखेगा, बट एक दिन पहले मैं और सूरज राधा कृष्ण जी का लुक ले रहे हैं। और हम लोग बहुत टाइम से ही करना चाहते थे, बट कुछ ना कुछ हो जाता था, हम नहीं कर पाते थे। तो हम लोग अब से ट्राई करेंगे कि जो भी फेस्टिवल होगा उसके लिए यू नो प्रॉपर लुक्स लें। तो या आज वो होने वाला है। सूरज अपनी बियर्ड के लिए गया है, उसको वो करवाना जरूरी है, वरना बियर्ड वाले कृष्ण जी अच्छे नहीं लगेंगे ना, ज्यादा बियर्ड वाले, सेट वाले तो फिर भी अच्छे लगेंगे, वो सेट करवाएगा, पूरी नहीं हटवाएगा। एंड जो आज मैं पहनने वाली हूँ वो बहुत सुंदर लहंगा है। लुक, दिस इज फ्रॉम, ये लहंगा है आरी तारी जयपुर। आरी तारी बहुत फेमस लहंगा एंड सूट साड़ी इनके लिए फेमस है जयपुर के अंदर, बाहर भी काफ़ी फेमस है ये। तो अगर आप जौहरी बाजार जाते हैं उसकी लास्ट लेन में अगर जाएंगे आप, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। एंड दिस इज़ अ वेरी प्रिटी लहंगा, मेरी दीदी का लहंगा है ये। मेरी दीदी ने उनकी मेहंदी में ये पहना था और मम्मी ने उसके साथ में ना ये 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 चीज़ें भी भेजी है कि सुंदर सा लगे। और ये इसका ब्लाउज है, दिस इज़ द ब्लाउज। ये चुन्नी है, देखो इसको पता करती हूँ, ये चुन्नी है और ये लहंगा है पूरा। तो मैं जब इसको पहनूंगी तभी दिखा पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी इसको खोल लिया तो उसमें रिंकल्स पड़ जाएंगे, मैं वो नहीं चाहती, तो मैं तभी आपको बताऊंगी। और सूरज पहनेगा पूरा कृष्ण जी का, मतलब जो ड्रेस होता है ना, नीचे धोती ऊपर वैसे प्रॉपर कोट जैसा, हम लोग सोच रहे हैं, कोट नहीं मतलब वो जो भी उनका क्या होता है वो कुर्ती जैसी कुछ होती है, हम लोग सोच रहे हैं तो वो कुर्ती पहनेगा है तो वो नहीं पहनेगा, उसे अपनी बड़ी बॉडी दिखाने का शौक है। तो लेट्स सी कैसा होता है। मेकअप वगैरह मैंने सब कुछ सेट किया हुआ है, मीकू और चिया डेकोरेशन का पूरा सामान लेने गए हैं, प्रॉपरली हम सब कुछ करने की ट्राई करेंगे। बट एक बैड न्यूज़ है, ऑलरेडी इट्स 2:30 और अभी तक हमें ऑलमोस्ट चालू हो जाना चाहिए था, बट ना हमने खाना खाया ना कुछ किया है, इट्स अ वेरी वेरी लेट टाइम राइट नाउ। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ करें। मैंने उन सबको बोला कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि चिया आएगी और उसके बाद ही मैं सब कुछ चालू कर सकती हूँ, उससे पहले नहीं कर सकती, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लाएंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तैयार होने के लिए। सो गेट रेडी गाइज फॉर आर लुक टुडे। और हम इसमें शॉर्ट्स भी बनाने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करेंगे, उसका हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो पिक्चर्स भी देख सकते हो। अरे बच्चे काम करके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जाओ फटाफट आ जाओ। हम तो थक गए, सबकी इतनी बुरी हालत थी, भूख से कि सब आते पहले खाना खा रहे हैं। हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, 4 बज गए, कुछ नहीं खाया किसी ने। तो मैंने भी कुछ भी नहीं खाया भाई सुबह से, अभी जरा सा एक सैलेड मंगाया, वो खा के काम चालू करूंगी बस। अब राधा कृष्ण बनेंगे तो पूरा डेकोरेशन भी वैसा ही होगा। तो ये मटकी आई है, और मटकी के अलावा क्या है इसमें, खोलना इसको। ये कोई पेपर लेकर आए थे, क्या क्या बनाएंगे, देख नीकू अभी डेकोरेशन, मेरी बात सुन, मैंने तेरे पर विश्वास तो कर लिया डेकोरेशन के बारे में, लेकिन अच्छा कर देना। तो पर्दे नहीं आए, 1 घंटे बाद मिलेंगे पर्दे भी। क्यों, कोई नहीं, पर्दे तो लग जाएंगे, पर्दे तो लग जाएंगे, दुकान थोड़ी लगते रहते हैं भाई, अपन रेडी तो होते हैं, तो रेडी तो हो जाते हैं अपन अभी, वो खा के जो तूने कुछ खाया नहीं, कहां खाया सुबह से, कुछ नहीं खाया। अच्छा इसका इसका सैलेड दुकान पे क्या हरकत करती, रियल जूस डलवा लिया, मारा डलवा लिया, प्रेडेटर पैक सबका डलवा लिया, फिर लेके निकल रहे, एक काम करो रियल जूस टेटर पैक निकाल दो, बड़े वाली माजा की बोतल दे दो अंकल, यू देखे इसकी तरफ, मेरे अंकल मारे ना बस इसको, मुझे बन रही है मैडम जी की। और मैं भी अपनी मूछे बनवा के आ चुका हूँ, ट्रिम एंड एकदम सीधा साधा सा बच्चा बन गया। हाँ सही में भाई, दाढ़ी कटाती है ना, 8-10 साल नीचे हो जाती है उम्र, क्यूट लग रहा हूँ बच्चा, पता है तेरे को, ये सी बोल रही थी तू क्यूट लग रहा है। यशी स्टार्ट कर चुकी है रेडी होना, इसके बाद ये मुझे रेडी करने वाली है, बहुत सारा टाइम जाने वाला है, मुझे तो डर लग रहा है, ऑलरेडी इतने लेट हो गए एक्चुअली। और एक सबसे बेकार चीज हो गई आज, बादल बहुत ज्यादा हो रहा है, जब जिस वीडियो में मुझे रेडी होना था ना उसमें ये होना जरूरी है। लाइट की थोड़ी सी कमी आई है, बट हमारे पास वैसे तो लाइट है, लेट्स सी, कोई इशू नहीं है, हम बने करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे भी होगा बहुत अच्छे से करेंगे। डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा काम चल रहा है, चलो कुछ तो कर रही है दुआ, चल आज शाबाश दे मेरे को थोड़ी सी, देखो ये कितना लग रहा है, हां बहुत अच्छा बना, उठा सकता हूं इसको, आओ ओके, रेडी होने के बाद इसको लगाना भी है पूरे पे, अभी तो मटकी और बांसुरी भी बनेगी, क्या बना रही है,
वो जो मेकअप होता है ना राधा जी का, बिंदी। यस बिंदी। उस लुक एक बार ऊपर देखिए ना प्लीज। सुंदरी कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे लग रही स्वर्ग से साक्षात देवी आ गई। और एक बार कैमरा घुमाना, नर्क से ताड़कासुर देखने को मिलेगा। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो अपनी शक्ल। मैं उनका मूड क्यों खराब करूं? घी लगाइए, ये पिंक है भगवान। रेन का लो, एक बार इसको यूं करके देखिए आ जाएगा क्या जमीन तक। करना क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ भाई साहब, पेटीकोट बनवा लो, ब्लाउज बनवा लो, तिरका कपड़ा भाई साहब, तस्करी वाला लाओ लाओ लाओ। चलो देखो भाई साहब, ऐसा कपड़ा आपको जयपुर के मार्केट में मिलेगा भाई साहब। भाई से लाया पंडित। अरे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या रुपए मीटर दिया भैया? भैया ये 160 रुपए मीटर, आपसे लेके आपकी बीवी से लेके सब लपट जाओगे इसी कपड़े में। भैया यार आपसे मैं पहले लेके गया था यार, उसने मेकअप कराया देवी है। दुकानें आज खुली भैया। भैया आपसे पहले मैं लेके गया यार, आपने 140 में दिया था पिछली बार। नहीं देखो इससे कम नहीं होगा भैया, देख रहा भैया आज कपड़ा चूके, देखो सिल्क का कपड़ा है। मानो मेरे भैया इस पे मैंने ना सोने का पानी चढ़वाया है, तभी ये गोल्डन हुआ है। आप घर में पर्दों का काम करवाने था मुझे। अभी ना ये सारा डेकोरेशन इसके ऊपर होने वाला है, फिर ये बहुत सुंदर लगेगा। मैं हाफ मतलब डन हूँ ऑलमोस्ट। और सूरज के लिए हम जो ऊपर पहनने के लिए लाए थे वो उसको आ नहीं रहा है, तो मैंने कहा तू उसको ऊपर से तू नंगा रहे और नीचे तू क्या क्या पहन रहा है वो धोती पहन और ऊपर से माला वाला पहना के देखो एकदम कृष्ण जी करेंगे। हाँ मैं कैसे लग रहा हूँ? मेरा टर्न रेडी होने का। ये भी छोटे पड़ गए थे, ये सारी की सारी चीजें छोटी लेकर आए हैं। तुझे किसने बोला बॉडी बनाने के लिए? अरे तो तुम्हें किसने बोला कि बच्चे का लेकर आने के लिए? अरे हम तो जो नॉर्मल मिलता है बेटा, कोई भी तेरे जितना बड़ा है ना कृष्ण बहुत कम बनता है, इसलिए वो अपने हिसाब से रखता है। तेरे जैसा बड़ा ना आदमी ताड़ का सुर बनता है। आपको बताइए गाइस, इतनी देर से नहीं सब लोग ये दोनों है ना मेरे से लड़ रहे थे, जैसे मैं इस रूप में आने लगा इस ओहो रूप इनका रूप देखिए, वैसे सब जी जी करके बात कर रहे हैं मुझसे। जयपुर का टोरा इतना हाओ साकी कैसे हो गया? अरे वो सही लग रहा है। हां अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अभी तो अच्छी भी लग रही है? अब इसमें और क्या लगाओगे? आई मटकी लगेगी अभी ये बांसुरी। वैसे मैं रेडी हो चुका हूँ, आपको दिखा दिया जाए क्या? थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हल्का सा, बस इतना सा ही दिखाऊंगा अभी। ऐसी लग रही तब दिखाऊंगा। पूरा कृष्ण जी लग रहा है सूरज यार। इतनी देर से ना ये और ये लड़े जा रहे हैं यहाँ पर खड़े खड़े। इसका काम इसके ऐसे है ना कि बिना बुद्धि वाले काम करती है। आप रुको, आपके बहुत बुद्धि वाले। अब वो नीचे नहीं गिरा। अभिषेक ने पर्दे लगा के गया था, इसने सारे पर्दे गिरा दिए नीचे। डबल जैकेट टेप से इनको चिपका रही है, बताओ वो इतने भारी है और वो रॉड पे टिका हुआ। तो किससे चिपकाऊं फिर मेरे को बताओ, किससे चिपकाऊं? एक होता है मूर्ख, फिर आती है मीकू। ये अब जितना इसने बनाया ना सब हटा रही है, और अब ये माला जो लटकाने का था क्योंकि मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा है इसलिए मैं माला लगाऊंगी। अब तेरी करामात है, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे जब तेरे साथ। इसके पूरे डेकोरेशन में उसमें भी ये अच्छा लग रहा है। देखो हम कलर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, पेंट कलर। पेंट कलर बड़े काम के आए। हाँ यार क्या करूँ, बालता बालता कुछ है नहीं और उसके बिना ना वो लुक नहीं आ रहा। हाँ ये वैसे रेडी हो चुकी थी पूरी, लेकिन हाथ देखे तो थोड़ा सा कमी लगी, फिर ये को फटाफट से कर दे। तो इतना जल्दी रेडी होती है भाई, कुछ भी लुक दे लो इसको, दो मिनट में रेडी हो जाती है। रेडी इधर देखना, खाना जी बन गई बच्चों वाली। मैंने तुम्हें राधा वैसे इसको नहीं आया ना, उसको फिट आई एकदम मेरी मटकी। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द लुक? है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 राधा आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे छोटी गाना जी आ गए, छोटी गाना जी आ गए। ये भी रेडी हो गई, पता नहीं कब से कब में ही रेडी हो जाती, पता नहीं चलता इसका, इनको टाइम लग गया मैम। ये है हमारा कान्हा जी और राधा जी वाला लुक। कैसे लग रहे हैं हम कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मैं ओके हम बताते हैं आपको कि हम रेडी कैसे हुए थे।
कुछ कुछ चीजें तो बताई थी लेकिन थोड़ा सा डिटेल में यशी मैम बताएंगी, तो बताओ। ये जो धोती है ये कल मैं लेकर आई थी और मैं अपने नाप से ले आई, तो अंकल जी ने भी मुझे बुद्धू बना दिया कि तू ऊंची रहती है, तू ऊंची रहती है, तो इसको देखो कितनी ऊंची है ये। ये फिर भी ना मेरी धोती छोटी है, मैं ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा हूं। वैसे पूरा सुंदर लग रहा हूं मैं, लेकिन हां ये धोती थोड़ी सी टाइट है मेरे लिए। ये मैंने अपने लिए बेल्ट मंगवाया था जो मैंने आज तक यूज नहीं किया, वो इसने यूज कर लिया है। इसका ये मैंने मंगवाया एक इंस्टाग्राम की साइट से, मैं लिंक दे दूंगी अगर आप मंगवाना चाहे तो, बहुत काम आता है ये। मीकू लेकर आई है आज माला, इसके लिए नॉर्मल कहां से लेकर आई है तू? नेशनल हैंडलूम अपने यहाँ जयपुर में, वहाँ पे। और ये मैं ड्रेस के साथ ही लेकर आई थी, ये था तो इसका कमर बंद, लेकिन इसकी इतनी बड़ी कमरा है कि उसमें आया नहीं, तो हमने ना यहाँ बांध दिया। क्या ऐसे क्या देख रहा है हु? मेरी इतनी बड़ी कमरा नहीं, ये छोटे तुम साइज का लिया, किसी बच्चे का लिया है जो कि इसको पहनना चाहिए था, जो कि मेरे मैं पहन के घूम रहा हूं। चिया की दिखी उठ लग रही है। और ना ये इसका सर के लिए ना एक्चुअली मैंने ये वाला मुकुट लिया था, चिया वाला, यशी ने बनाया खुद से। ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था मुकुट, कि मतलब इतना ये बच्चों वाला लग रहा था मुकुट, तो फिर मैंने बोला यशी कुछ सुंदर सा तो बना। इसको बस ये ऐसे एक हमारी चुन्नी लपेट दी मैंने इसके, और यहाँ पग लगा दिया, और ऐसे ये मार। इसने ना सीरियल वाले कान्हा जी को देख के बोला मुझे ऐसे बनना है, तो उनके यहाँ पर ये था, तो मैंने वैसे करके पूरा बना दिया। एक चीज बताओ कि राधा जी ज्यादा सुंदर लग रही है या मेरी ना एक्चुअली दीदी का मेहंदी का लहंगा जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैंने बस ट्राई किया है कि मेरे पूरे लुक से ये मैच हो जाए, और मैंने बहुत कुछ सोचा था बट वो बहुत कुछ एक रात में हो नहीं पाया, तो जितना मुझे मिला मैंने उस हिसाब से किया। ये ज्वेलरी भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली, पूरा पिंक 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 लिया। राधा जी को उसमें देखा नहीं कि तूने सीरियल में पूरी पिंक पिंक रहती है और ऐसी पहनती है, बट हाँ तू सुंदर बहुत लग रही है। मेरी ना बचपन से हर एक बच्चे की ना छोटे कान्हा जी, छोटे बच्चे की ना कान्हा जी बने हुए फोटो जरूर होती है। हाँ। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझे कान्हा जी क्यों नहीं बनाया, बट मैंने फर्स्ट टाइम वैसे कान्हा जी का लुक लिया है, बट ऑब्वियसली उनका लुक तो ले नहीं सकता कोई भी, बट हाँ उनका जैसा रावण बनाया गया था दस्तर लगा के कृष्ण जी जब जन्मते है ना तो उस खुशी में सबको ऐसे टॉफी बांटते हैं। आपने राधा कृष्ण देख लिया ना, वैसे कान्हा और यशोदा मैया भी देख लो, ये सच में बहुत प्यारी लग रही है भाई। वो सही में बच्चा लग रही है, छोटा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा लग रही है। वैसे ना यशी कल फास्ट रख रही है, और मैं मर गया भगवान, कोई बात नहीं कृष्ण जी के लिए मैं रख सकती हूँ। मेरे से तो फास्ट नहीं रखा जाता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता हूँ, बिल्कुल भी, मतलब मेरे से ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आजकल तो मैं भी नहीं रह सकती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट पता है बात क्या है, कल मुझे काम भी बहुत सारा करना है और मैं इस पे चिल्लाऊंगी। हाँ तो इसने मेरे को पहले ही वार्निंग दे दी कि तू रेडी रहना, अगर मैं कुछ बक बक करूँ तो सुनते रहना चुपचाप से, क्योंकि मैं भूख के मारे बहुत हालत खराब रहेगी। और ये ऐसा इकलौता व्रत है जिसमें आप ना फ्रूट खा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, सागर कर सकते हो, वो भी 12 बजे के बाद, जब भगवान की भोग लग जाता है, भगवान जन्म जाते हैं उसके बाद से। ना मुझे लगा नहीं था कि ये मुझे इतना अच्छा रेडी कर पाएगी, मैं इसको स्टार्टिंग से ही ऐसे बोला था, ये जैसे वो ड्रेस छोटी हुई ना मैंने कहा लो हो गया मेरा तो काम, मैंने कहा ये अकेली रेडी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रेडी नहीं होने वाला, मेरा तो हो गया काम। लेकिन इसने इतना सुंदर बना दिया मुझे, यहाँ पर भी इसने चुन्नी लगाई, यहाँ पर भी चुन्नी लगाई, तेरी चुन्नी बहुत काम की है। यस, चिया की है चुन्नी, मेरी नहीं है, चिया की है, ये चिया लेकर आई, चुन्नी तेरी बहुत काम की है। कंस मामा आए, कंस मामा, तेरे आते रे चिया, कंस मामा आ गए, ये मेरी यशोदा मैया है और मैं कंस मामा। जो थे ना उनका ये था कि उनकी जो बहन है ना उनका सातवां पुत्र या पुत्री जो भी होगा ना वो उनको मारेगा, और कंस को वरदान था कि वो मरेगा नहीं, लेकिन सिर्फ उन्हीं से वो मर सकते थे, इसलिए वो चाहते थे कि कृष्ण जी जिंदा ना रहे, उनकी लड़ाई होती थी। अरे तो मैं तो तेरा असली में तो भाई हूँ ना, बदले क्या ले रही है। इट्स ऑफिशियली 12 हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को, खूब सारा मक्खन खाइए, माखन 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 माखन। इस बार जीवन में मुझे तेरा भाई होने का दुख हो रहा है। क्यों? कंस गाइस, वैसे ना हम लोगों की लुक कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, शर्ट और अंदर वाली कैसी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही थी। तो चलो गाइस अभी हम सोते हैं, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं कल, बाय।